वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजगुप्ता 45। तो गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी के काओ घी से कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। जी गाइस, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं और इसमें फ्लैट यानी कि फैट कितना बढ़ता है ये भी देख लेंगे। ये मोदी के काओ घी में तो पता ही चल जाता है। और ये घी यानी कि ये जो मोदी के काओ घी है बिल्कुल प्योर है। जी हाँ गाइस, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से अभी तक किए नहीं हो तो गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये हमारा काओ घी है, अभी से हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको लेफ्ट साइड में आपको इनके पूरे विटामिन कितनी पाई जाती हैं, इसमें इनमें विटामिन ए और डी और ई और के यानी कि ए डी ई और के यानी कि चार विटामिन पाए जाते हैं। उसमें फ्लैट भी ज़्यादा पाया जाता है यानी कि इससे फ्लैट भी, वैसे तो घी से फ्लैट बढ़ते हैं। तो गाइस हम इसे कट करते हैं, निकालते हैं बाहर। अब हमने इसका बाहर का कवर तो निकाल लिया पर अंदर में आपको सिल्वर पैकेज में आपको ये घी मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब हम इसे काट लेते हैं। तो गाइस अब मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ कि ये हम लोग इसे निकालने के बाद कैसा प्योर होता है। तो चलिए गाइस मैं आपको थोड़ी नजदीक से दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा काओ घी है मोदी किया का, तो अब हम इसे बाहर निकालते हैं। और गैस हम अब एक चम्मच इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो गैस ये आप देख सकते हैं घी कितना काफ़ी अच्छा प्योर भी है और इसकी खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मैं इसे मैं थोड़ा 3 चम्मच घी निकाल लेता हूँ, तब तक आपके लिए जल्दी से इजी हो जाएगा। कितनी अच्छी घी है और काफ़ी अच्छा है और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है यानी कि जो बाकी घीयों से यानी कि जो बाकी घी होते हैं उनसे काफ़ी अच्छी टक्कर है। आप इन्हें इसे जिस तरीके से भी खाना चाहते खा सकते हैं पर आपको कुल आपको एक दिन में 4 या 3 चम्मच खा लेना चाहिए क्योंकि आपको लिए शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। विटामिन ए और डी और सी यानी कि के पाए जाते हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास विटामिन पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये आपके